द लाइन नियॉम प्रोजेक्ट, वर्ल्ड्स मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट के पास हूँ मैं अभी। नियॉम का मतलब ये है कि सैयारा जदीद कुल्लू सेटिंग फिनिश। साफ पानी, एकदम क्रिस्टल क्लियर पानी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। होप आप सब खैरियत से और मैं भी एवन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहली बार सॉरी कि मैं बहुत दिन के बाद व्लॉगिंग कर रहा हूँ आप लोगों को, बहुत दिन के बाद कुछ नया चीज़ दिखाने की ट्राई कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को पहले से फॉलो कर रहे हैं लोगों को मालूम होता है कि मैं हर साल कुछ ना कुछ एक गैप लेता हूँ वन मंथ का, तो ये ईयर का गैप ये था। और मैं सऊदी आने से पहले बोला था आप लोगों को अगर मेरे को एक्सपोजर अच्छा मिला ऐसा कुछ भी मैं नई चीज़ दिखा सकता हूँ तो उसके बाद ही मैं दिखाऊंगा करके। तो सऊदी अरेबिया की मोस्ट इंटरेस्टिंग और मोस्ट ट्रेंडिंग प्लेस, वर्ल्ड्स मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट के पास हूँ मैं अभी, द लाइन नियॉम प्रोजेक्ट। तो गाइज ये है पूरा नियॉम कम्युनिटी और यहाँ पर है तो बड़ा सपना एक नियॉम का लोगो। तो ये यहाँ पर पूरा नियॉम कम्युनिटी बन रहा है, जो द लाइन जो सबसे बड़ा सऊदी अरब का जो प्रोजेक्ट है तो यहीं पर है गाइस। तो इसका भी एक कम्युनिटी बन रही, तो लाइन के आगे बनने वाली है। तो अभी ये लोग कम्युनिटी बना रहे, कम्युनिटीज में स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, होटल्स वगैरह सब कुछ। तो मैं सोचा कि अपने साथ साथ आप लोगों को भी दिखाऊँ ये सब चीज़। तो यहाँ पर सब ऑफिसर्स है और यहाँ पर अंदर पूरा कंस्ट्रक्शन हो रहा, और यहाँ पे अगर अंदर इधर चले जाएंगे अपन तो इधर रेड सी है। यहाँ से आप लोग को दिख रहा नहीं, दिख रहा नहीं मालूम, बट दिस इज़ रेड सी। ये एक्चुअली है एक शर्मा सिटी था, उसको पूरा डेमोलिश कर दिए। डेमोलिश करने के बाद अभी इसको पूरा ऐसा ज़बरदस्त बना रहे। सो नियॉम का मतलब ये है कि न्यू इज़ ग्रीक वर्ड, एम स्टैंड्स फॉर मुस्तकबिल। सो न्यू ऑम दो ग्रीक और अरबी को थोड़ा मिक्स कर दिए लोग, तो इसलिए नियॉम नाम रखे इसको। नियॉम के लोगों में एक खास बात ये है कि ये जो दिख रहा ना आपको, ये फर्स्ट वाला, ये डिफाइन करता टेक्नोलॉजी, ये डिफाइन करता नेचर, ये डिफाइन करता लिवेबिलिटी। लिवेबिलिटी मतलब कि एक अच्छी खासी रहने की जगह जहाँ पर आपके पास चीज़ फैसिलिटीज रहे, और ये डिफाइन करता सस्टेनेबिलिटी जो कि फ़ायदेमंद रहे, और यह है कम्युनिटी जहाँ पे आपको हर चीज़ स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, हर चीज़ अवेलेबल रहेंगी। तो ये थोड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो अभी अपन जाएंगे आगे। तो गाइज़ अभी हम लोग, जैसा मैं बोला अंदर कम्युनिटीज़ है बोल के, तो ये कम्युनिटी वन है आगे। तो अंदर जाने की वजह ये है कि हम लोगों की कार हो गई थी ख़राब, सुबह थोड़ा छोटा मोटा एक एक्सीडेंट हो गया था। तो ये जो कार है इसको चेंज करने के लिए जा रहे हैं हम लोग अभी। जैसा आपने पास जूम कार से इंडिया में, वैसे यहाँ पर जूम ही करके तो वहाँ पर जाएंगे अपन। तो यहाँ पर है हेली बेस, यहाँ पर चॉपर देख सकते हैं आप लोग, एक चॉपर है यहाँ पर। तो गाइस इट्स अ डे टू, कल ज़्यादा सिक्योरिटी रीजंस की वजह से मैं ज़्यादा व्लॉग शूट नहीं कर सका। जो हम लोग कल जो जगह पे थे वो था कम्युनिटी वन नियॉम का, जो अभी हम लोग जा रहे ये है नियॉम कम्युनिटी टू की रोड, जो कि शर्मा और तबुक की रोड जो है वहाँ से अपने को राइट लेना था। तो हम लोग अभी आगे, कल तो हुआ नहीं, तो अभी जाएंगे जाके चेंज करेंगे गाड़ी अपन, देखिए कौसे कौसे गाड़ियाँ अवेलेबल है। नियॉम कम्युनिटी टू के लिए लेना है राइट। सो गाइज यहाँ भी सिक्योरिटी रीजंस की वजह से अंदर ऑफिस में जाने नहीं दिए अपने को, तो अभी हम लोग अंदर कम्युनिटी टू के अंदर जा रहे हैं, देख रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं अंदर कैसा है क्या है, कम्युनिटी को अच्छे से डेवलप कर रहे हैं लोग। तो अभी हम लोग यहाँ पे पार्किंग में वेट कर रहे थे, तो नियॉम कम्युनिटी टू के अंदर जो लूमी का जो ऑफिसर उसको कॉल किए, तो ही इज़ कमिंग आउट। तो अभी जो आप लोगों को मैं कम्युनिटी टू के अंदर का जो हाउसिंग वगैरह दिखाया वो पूरे कैंप से गाइस, जहाँ पे नियॉम के जितने भी लोग हैं यहाँ पे वर्क कर रहे हैं उन लोगों के लिए कैंप से। हम लोगों को अंदर जाने के लिए इसलिए अलाउ नहीं कर रहे हैं लोग, क्योंकि हम लोगों का जो काम है साइट की लोकेशन के पास और ऑफिस में हम लोगों की जो आईडी अलग है, तो इसलिए हम लोग के पास यहाँ का एक्सेस नहीं है, तो इसलिए हम लोग अंदर अलाउ नहीं कर रहे लोग। तो गाइस फाइनली लूमी से ऑपरेशन हो गया, आगे भाई भी बहुत क्विक सर्विस दी है और ये कार मिल गई हम लोगों को। कार तो एक्सचेंज हो गई, अभी ये कार में अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। कहाँ से हो आप? बांग्लादेश से। आप सही है क्या? भाई आप कहाँ से हो? तो गाइस देखे आप लोग, इंडियन, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, तो डिफरेंट नेशनलिटीज के साथ ही अपन फिल्म खाए हैं। आपने कितने साल? छः साल। इंडिया आए थे आप? अच्छा, तो कैसी थी कि आपको हैदराबादी बिरयानी सही थी? चिकन जो है वो कच्ची कच्ची डाल देते हैं। जी हाँ, कच्ची अखनी की बिरयानी बोलते हैं उसको। तो अंदर आ गए हम लोग सिक्योरिटी चेक करके, ये नियॉम कम्युनिटी टू के अंदर का ऑफिस। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर। अच्छा दिख रहा है। तो गाइस ये जितने भी दिख रहे हैं ना आप लोग, ये पूरे ऑफिस है।
ये आ गया लूमी की ऑफिस के अंदर। हम भी कॉफ़ी लेंगे क्या? एंट्री मार। बिस्मिल्लाह। तो माशाल्लाह बहुत ही काफ़ी बढ़िया इसका इंटीरियर है यार। इसका टोयोटा की एक परफॉर्मेंस की बात ही अलग है। तो हम लोग की कार है वाइट। वाइट लेने की वजह ये है यहाँ पे, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पे गर्मी है, दूसरे अगर कलर्स लेंगे तो कार बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, इसलिए बेहतर है कि यहाँ पे वाइट कार ही यूज़ करना अपन। जल्दी गर्म भी नहीं होती और जल्दी ठंडी भी हो जाती है। सो लेट्स हेडिंग टुवर्ड्स द दुबा। ये देख सकते हैं आप लोग हसीन वादियाँ। ये रोड बहुत ज़्यादा फेवरेट हो गई वीडियो। एक दिन बाद हम लोगों को कार एक्सचेंज मिल गई तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई समझे थे हम लोग, लेकिन हम लोगों की प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हुई। प्रॉब्लम तो अभी स्टार्ट हुई, एक नया टास्क आ गया हम लोगों के आगे पे। एक हम लोगों की जो पुरानी कार में था, हम लोग उसमें एक हाफ टैंक से थोड़ा कम था। अब ये नई कार मिली, अभी इसमें कुछ भी फ्यूल नहीं है हम लोगों के पास। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ऑन द वे में, देख रहे हैं कि अगर फ्यूल स्टेशन मिला तो हम लोग पहुँच सकते, अगर नहीं मिला तो हम लोग पैदल है। यहाँ पे है एक फ्यूल स्टेशन अल इदरीस, वन ऑफ द फेमस फ्यूल स्टेशन इन सऊदी अरेबिया। और नियोम में तो पूरा एलोंग का दबदबा है। एक प्रॉब्लम ख़त्म हो रही नहीं, दूसरी प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है। अभी हम लोग यहाँ पे फ्यूल डलाने के लिए आए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो पुरानी जो कार थी उसमें हम लोग के रह गए थोड़े पेपर्स। तो चेकआउट करने से पहले हम लोग देखे नहीं। अस्सलाम वालेकुम। तो अभी यहाँ पर याद आया हम लोग को, मैं उनसे कॉन्टैक्ट करा के बोला कि भाई हम लोग यहाँ पे फ्यूल स्टेशन के पास है, हम लोग पेपर्स भूल गए, हम लोग के थोड़े काम के पेपर्स थे उसके अंदर। तो बोले कि ठीक है, वेट देयर, विल कम एंड गिव। तो हम लोग को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी हम लोग फ्यूल डला लेके उन लोगों का वेट कर रहे हैं यहाँ पे। अब ये गाड़ी नहीं है तो सब चीज़ नया नया है इसमें, तो अपने को हर चीज़ FM रेडियो वगैरह सेट करना पड़ता। होम पे क्यों नहीं जा रहे? अच्छा, ये एप्पल कार प्ले लगेगा ऐसा फिल वक्त। मेरे इस ब्लॉग चल रहे हैं यहाँ पे साउंड टेस्ट करने के लिए, हम ऐसा व्यूज बढ़ा रहे थे यहाँ पे। अपने मिल गया फ्रॉम बरेली। ये सेटिंग अपनी हो गई फैलन, यानी मिसल। ये हमारे लूमी के भाई लोग हैं, बहुत ज़्यादा कॉपरेट करके हम लोग के डॉक्यूमेंट जो भी थे उसमें ला के दे दिए। तो थैंक यू फॉर कॉपरेटिंग। मुझे तो अच्छी थी लूमी की सर्विस, मतलब हर चीज़ के लिए नहीं बोल के नहीं बोल रहे लोग, हर चीज़ कंप्लाई कर रहे हैं हमारे पीछे पीछे। एनी वन वॉचिंग मी फ्रॉम लूमी, सो काइंडली कमेंट डाउन बिलो। अगर स्पॉन्सर वॉन्सर भी करना है तो कर सकते हैं, मैं स्पॉन्सर एक्सेप्ट करूँ सऊदी में भी। सैयारा जदीद कुल्लू सेटिंग फिनिश। गाइस अभी हम लोग थोड़ा ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, थोड़ा रेड सी के पास जा रहे हैं। आगे रेड सी दिख रहा ना, तो आप लोगों को बताएंगे बोल के तो कैसा है रेड सी का व्यू, देखेंगे अपन। ऐसा जा रहे तो मेरे को ड्यून बैशिंग याद आ रहा। अगर मेरा दुबई का ड्यून बैशिंग वाला ब्लॉग नहीं देखे आप लोगों, तो यहाँ पे एक आई कार्ड डाल देता हूँ मैं, यहाँ पे टैप करके आप लोग देख सकते। तो इसको बोलते थे क्रॉस प्रमोशन, ऐसा ब्लॉग चलते चलते निंजा टेक्निक पुराने ब्लॉग से प्रमोट करने की। तो हम लोग है रोड से, मेन रोड है वो हाईवे, वहाँ से हम लोग इतनी अंदर आ गए। आई थिंक आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा इसमें, बट आप लोग काफ़ी एक 500 मीटर्स तक आ गए अंदर। इफ़ यू आर नॉट गुड स्विमर देन डोंट टेक रिस्क। इस बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेने का रे पापा। सारे लोग दिख रहे हैं यहाँ पे, हम लोग समझे कोई भी नहीं है, बट है यहाँ पे पब्लिक आ रही चिल करने के लिए। आवाज़ सही आती कि नहीं थी? यहाँ पे बीच एक देखो, पूरा मट्टी की वजह से पूरा बीच की फील आ रही है। और एक अमेजिंग चीज़ क्या है मालूम गाइस, यहाँ पे, यहाँ पे पानी देखो आप लोग, और यहाँ पे देखो पूरे पहाड़ हैं, ये पहाड़, ये पानी, और वो बीच में जा रही हाईवे। थड़कती भड़कती धूप जाती पानी। पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर पानी।
लोग अभी निकल गए ट्रैम से और ये है दुबा की रोड। और ये राइट साइड पे दिख रहा है ये पूरा रेड सी है। ये क्लोजर व्यू देखा आप लोग उसका, सनसेट विद दिस रेड सी, वाओ इनक्रेडिबल। और ये बेसिकली जो नियम जो भी है ना भाई, नियर बाई जॉर्डन के बॉर्डर के करीब पे है, इसलिए यहाँ पे आप लोग बोर्ड्स पे ज़्यादातर जॉर्डन जॉर्डन लिखे हुआ दिख रहा है। तो जहाँ पे हम लोगों का काम है वो है नियम कम्युनिटी 1 या कम्युनिटी 2 में। तो यहाँ मोस्टली लोग जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, अगर सिटी में किसी को रहना है मतलब कि आपको साइड के कैंप्स पे, या जैसा मैं नियम कम्युनिटी 2 के अंदर जैसा कैंप दिखाया था आप लोगों को, वहाँ पे नहीं रहना चाह रहे आप, तो यहाँ पे है एक छोटी सिटी जिसको बोलते हैं दुबा। तो मोस्ट ज़्यादातर लोग यहाँ पे जो काम कर रहे हैं वो दुबा में रहते हैं और डेली अप एंड डाउन 100 किलोमीटर्स या 110 किलोमीटर्स डेली चलता समझो ऐसा। दुबा का लोकेशन मैंने डाल दिया 89 किलोमीटर्स। ये सामने देखो आप क्या अमेजिंग व्यू है पहाड़ों के साथ, सुभानअल्लाह। ये है सऊदी अरब की पूरी बंजर जमीन, यहाँ देखो पूरी बंजर जमीन है। ये बंजर जमीन पे बन रहा अपना नियम, मगर अपने पास से कोई आंध्रा तेलंगाना या फिर अपने शाही नगर शादनगर के अगर लोग रहते यहाँ पे तो ये तो बंजर जमीन नहीं छोड़ देते। हाँ पूरा अब तक प्लॉटिंग वेंचर बना देंगे, पूरे बिल्डिंग घर बना देते थे बेहतरीन। दुबा का भी अपन बहुत ज़्यादा एक अच्छा व्लॉग बनाएंगे, क्योंकि मैं दुबा को ऐसे नहीं दिखाना चाह रहा हूँ। दुबा में बहुत सारे चीज़ें हैं देखने के लिए, कॉर्निश है वहाँ के, एक सुकून है भाई कॉर्निश पे बैठे तो अलग सुकून दिखता, तो मैं वो अलग से एक सेपरेट व्लॉग शूट करना चाह रहा हूँ। अब ये व्लॉग में तो खाली आप लोग देखे होंगे भाई नियम के बारे में, रोड्स वगैरह सब बता रहा हूँ। अरे अपना एक्जैक्ट हम लोग रेड सी के बाजू से जो रोड गुजर रही है उस पर से जा रहे हैं हम लोग, तो अभी 66 किलोमीटर से ये जितना भी हम लोग दुबा से लेके पूरा नियम तक जाएंगे तो पूरी यही रोड है। तो गाइस अगर सब ये रोड फॉलो कर लेते हैं अपन जाएंगे तो अपने दुबा के बाद अलवज के बाद उमलुज के बाद यांबो से फिर अपने को मिलेगा जिद्दा। तो रोड पूरी जा रही जिद्दा तक, और अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में अपन जाएंगे तो सीधा नियम से देन जॉर्डन, और वही रोड से फॉलो करते अगर जाएंगे तो इजिप्ट भी चल जाते अपन। तो फाइनली वी रीच दुबा। हाँ तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कहाँ हैं भाई, कहाँ नहीं दिख रहे तो फिलहाल अपने लाइफ में चल रहा है स्ट्रगल। तो अगर आप लोग को ब्लॉग अच्छा दिखा तो लाइक करो, शेयर करो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और कमेंट करो क्या चीज़ अच्छी दिखी। और फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए हंसते रहो मुस्कुराते रहो खुश रहो खुश करते रहो, क्योंकि जीना सीखना है।